हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। आज की वीडियो में करेंगे हम क्लास टेंथ के लिए जो आपका टेस्ट नंबर 26 हुआ है उसमें मैथ सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए देखिए, आपका एग्ज़ाम पेपर ये था और इसके अंदर देखिए, पहले क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिखने लग जाए। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ाइए। चलिए अब देख लीजिए क्या कुछ है। आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। देखिए ये मान लीजिए ये पेड़ है आपका, ये पेड़ है मान लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ है। और क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से, और ये टूट के यहाँ पर, यहाँ से यहाँ गिर रहा है, ठीक है, ये गिर रहा है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये शिखर है और ये यहाँ से गिरकर इसे छू रहा है। और आगे क्या करे, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर जो कोण है आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से। पेड़ के पाद बिंदु का मतलब हुआ पेड़ का जो चरण बिंदु है, ये वाला, ये पेड़ का पाद बिंदु से, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर यहाँ पर जमीन को छू रहा है इस जगह। तो ये जो दूरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपने को दी हुई है, ये दूरी कितनी दी हुई है, ये 8 मीटर है। ये दूरी दे रहा है 8 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दे रहा है। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पेड़ की अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई, तो कम्प्लीट लाइन ज्ञात करनी है, कम्प्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक, कम्प्लीट लाइन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। तो आप एक काम करो, आप इतना टुकड़ा इसको एच मान लो, ऊपर वाले टुकड़े को एक्स मान लो, और अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि जो टुकड़ा ये है ना वही टुकड़ा यहाँ पर गिरा है, और एच और एक्स को जोड़ दो तो कंप्लीट पेड़ बन जाएगा। यानी अगर कंप्लीट पेड़ बनाना है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट चाहिए, और इसका जोड़ क्या होगा, एच और एक्स का जोड़ होगा। इनका नामकरण कर लीजिए, नाम दे दीजिए, इसका नाम ए बी सी और डी नाम दे दीजिए। और अब आपको पता है कि लाल बटा कक्का यूज़ करना है, लाल बटा में कक्का, तो लाल बटा कक्का का यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए पहला साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है। और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ तीन ही यूज़ करने हैं, कोट से कोसेक यूज़ नहीं करने। और अब पहले अपने करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर थीटा है, ये 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार है, आधार 8 दे रखा है, लंब एच निकालना है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। तो किस किस का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, देखिए एक तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ 8 सेमी का, मतलब आधार का। पहले जो माना है पहले लिख लीजिए, माना माना ए डी, ए डी को क्या माना अपने, एच मीटर, और बी डी को क्या माना, बी डी को माना एक्स मीटर, और बी डी के बराबर क्या है, बी डी के बराबर ही तो है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, आप लिख लीजिए कि बी डी जो है ना, बी डी के बराबर ही तो क्या है, बी डी के बराबर ही डी सी है, इसको क्या मान लिया अपने, एक्स मीटर मान लिया। और जो पूरा पेड़ की लंबाई है, पेड़ की लंबाई देखिए स्क्रीन पर, पेड़ ए से सी तक है, ये पूरी लाइन यहाँ ए से लेकर ये सी तक, ये पूरा पेड़ है। तो ए सी पेड़ की लंबाई, यानी जो ए सी है, ए सी पेड़ की लंबाई वो है एच प्लस में एक्स, और आगे मीटर लिख लीजिएगा। चलिए ये पेड़ हो गया, और अब आपको करना क्या, कैसे है देखो, हमें पहले लेके चलना है किस किस को, ट्रायंगल जो ए बी डी है ना उसी को लेके चलना है, पर दो बार ही करना है, दो बार ही करना है। ट्रायंगल जो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, इधर भी त्रिभुज ए बी डी में, तो ट्रायंगल ए बी डी में एक बार तो लेके चलते हैं आधार और लंब को। तो जब आधार और लंब को लेके चलेंगे, आधार और लंब को लेके चलेंगे तो टेन यूज करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, इसको डब्बे में बंद कर लीजिएगा। और एक बार लेके चलते हैं अपने इसको, एक बार आधार ये दिया हुआ, आधार दिया हुआ है और ये लंब निकालना है, तो दो चीज़ लेनी होती है, एक दिया हुआ एक निकालना है, तो आधार और लंब ले लिया। अब एक बार फिर से करते हैं, देखिए फिर से अपने इसको लेते हैं, आधार को फिर लेते हैं और इस बार करण को लेते हैं, क्योंकि आधार दिया हुआ है और करण निकालना है। तो लंब आधार और, आधार और करण के लिए क्या बना, आधार और करण के लिए बना अपना कोस, आधार और करण के लिए क्या बना, कोस बन गया, आधार और करण के लिए अपना कोस बन चुका है। देखिए कोस, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा में करण होता है, आधार बटा में क्या होगा, करण। क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर दिखाई नहीं दे रहा तो। चलिए अब मान पुट करते हैं, थीटा दोनों के लिए 30 डिग्री है, थीटा का मान दोनों के लिए कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री
और यहाँ भी कोस 30 डिग्री, और थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ये लो। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ अपने को 30 डिग्री है, और आधार दोनों में कितने सेमी है, आधार का मान दोनों जगह ही कितने हैं, यहाँ पर आधार है 8, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 8, और लंब, और देखिए लंब क्या है, एच और करण एक्स है, चित्र को देख लियो, ये लंब है, एच करण एक्स है, लंब और करण, लंब एच है और करण एक्स है, दोनों का मान निकाल के जोड़ना है, पेड़ निकालना है। तो चलिए टेंथ इसका मान आपको पता होना चाहिए, सारणी से 1/√3 होता है, एच बटा में 8, और कोस 30 का मान, और कोस 30 का मान आपका कितना है, कोस 30 का मान है आपका √3/2, और 8/2 कितना गया एक्स। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, तो वज्र गुणन, यहाँ पर दोनों जगह वज्र गुणन से दोनों जगह कर लेते हैं, इधर वज्र गुणा करते हैं, इधर वाला वज्र गुणा करेंगे तो एच गुणा में √3 बराबर कितना 8, एच बराबर कितना गया 8/√3, और इधर वाला क्या करें, वज्र गुणा करो √3 × x और बराबर 16, एक्स बराबर 16/√3। हमें पेड़ की लंबाई चाहिए, पेड़ दोनों का जोड़ है, पेड़ क्या है, एच प्लस एक्स है, तो 8/√3 और प्लस 16/√3, तो लघुतम कितना गया √3, तो को एक जैसे ही है तो 8 + 16 ही आ जाएगा, 8 + 16 यानी 24/√3। अब इसका क्या करते हो, परिमेयकरण, परिमेयकरण से, तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, 24/√3 है, ऊपर नीचे किसका गुणा कर दो, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दो, परिमेयकरण का मतलब ये हो गया, ऊपर आ गया 24/√3 और नीचे √3 को √3 से गुणा करें 3 आ गया, 3 से कटिंग कर दो, 3 × 8 = 24, कितना आंसर आ गया, 8√3 मीटर, ये पेड़ की लंबाई आ गई। लास्ट में लिखोगे आते है, लास्ट में ही लाइन लिखना आते है, पेड़ या वृक्ष की लंबाई, पेड़ की लंबाई बराबर 8√3 मीटर, इतना जो करके आया इसको डब्बे में बंद कर दो और यहाँ आंसर लिख दो, उसको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कुछ है अपना, हाँ जी अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब अगला प्रश्न अपने वो स्क्रीन पर देखो आप, अपने को दिया हुआ है कि यदि एक पेड़ एक बिंदु से ओ केंद्र वाले किसी वर्त पर, ये ओ केंद्र वाला वर्त हो गया, ये हो गया ओ केंद्र वाला वर्त, और एक बिंदु से ओ केंद्र वाले वर्त पर, यहाँ बिंदु हो गया पी, एक बिंदु पी से, ये ओ केंद्र वाला वर्त हो गया, केंद्र पर किसी वर्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, देखो स्पर्श, ये दो स्पर्श बिंदु हो गया, यहाँ से पी ए और पी बी, देखो स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ तक ही मानी जाती है स्पर्श बिंदु तक, आगे चाहे कितनी मर्जी बढ़ा दो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पी ए और पी बी देखो क्या स्पर्श रेखाएं हैं, और इनके बीच में कोण कितने डिग्री का, 80 डिग्री का है, तो कोण कौन सा निकालो, इसने पी ओ ए का कोण पूछा है, पी ओ ए कोण, ये कोण पूछे है, ठीक है, ये वाला, तो पहले तो मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ, पी ओ ए इस कोण का पूछा हुआ है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ये 90 डिग्री बनेगा, ये वाला कोण, ये जो कोण है 90 डिग्री बनेगा, कारण क्या, 90 डिग्री बनने का कारण क्या है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर जो बीच में कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और इनका आधा आधा कर दो, ये 40 हो जाएगा, 40, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये है 90, ये 90 है, ये 40, 90 और 40 कितना हो गया 130, 180 में से 130 घटा दो, ये बचेगा 50, इसका आंसर निकालना था आपने, 90 और ये 40, 90 40 130 और इसमें 50 जोड़ेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 50 आंसर आ गया। चलिए अगला, लघु त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, तो पहले तो आपको लघु त्रिज्य खंड का पता होना चाहिए, ये त्रिभुज हो गया, सॉरी ये वर्त हो गया, ये वर्त की त्रिज्या होगी, ये वर्त की त्रिज्या होगी, इसको काट के बाहर निकालो, तो ये इस तरह से काट के बाहर निकल गया, ये इसे बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्य खंड, आपके लघु त्रिज्य खंड और संगत चाप की लंबाई, अब ये लघु त्रिज्य खंड हो गया, ये जो लाइन है ना ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई को एल बोलते हैं, चाप की लंबाई को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, एल, और इसका सूत्र बनेगा ना पाई आर थीटा बटा में 180, आपको ये लिखना था, पाई आर, ये त्रिज्या जो होती है वो आर होती है, और ये जो कोण है ये थीटा होता है, यानी ये त्रिज्या जो है आर है, आर है, ये जो लाइन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये एल होती है, ये थीटा होता है, तो सूत्र चाप की लंबाई का सूत्र क्या बनेगा, पाई आर थीटा बटा 180, याद करने पड़ेंगे आपको, याद नहीं है तो। अगला क्या दिया हुआ है, बेलन के आयतन का सूत्र, चौथा प्रश्न, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई
हेलेन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर की स्क्वेयर एच, पाई आर की स्क्वेयर एच, पाई आर की स्क्वेयर एच, ये बेलन का आयतन हो गया। सॉरी इसमें ये बिल्कुल सही है, पाई आर की स्क्वेयर एच क्या होता है, बेलन का आयतन। शंकु का आयतन लगाना हो तो 1/3 पाई आर की स्क्वेयर एच होता है। अगर बेलन का निकालना है तो पाई आर की स्क्वेयर एच, शंकु का निकालना है तो इसके आगे 1/3 लगा दो। ये सूत्र मैंने एक बार लिखाए थे आपको, तो याद रखना है इनको। और दूसरा कौन सा है, बहुलक का सूत्र, ये तो आपको पता ही होगा। तो बहुलक सूत्र आपको याद है, लिख के दिखा देते हैं आपको। आपने अगर बहुलक का सूत्र लिखा होगा, वर्ग अंतराल के अंतर्गत ये होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, एफ वन माइनस एफ जीरो, टू एफ वन, एफ वन माइनस एफ जीरो, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, और ब्रैकेट बंद करके गुणा में एच, ये वर्ग अंतराल। एल निम्न सीमा होगी, एफ वन एफ जीरो एफ टू आपको बताया हुआ है, एच वर्ग अंतराल हो गया। ये बहुलक का सूत्र है, जेड बराबर बहुलक बराबर क्या होगा, एल बहुलक वर्ग जो भी होगा उसकी निम्न सीमा होगी, एच वर्ग अंतराल होगा, और ये सब बारंबारता है, एफ वन एफ एफ जीरो और एफ टू, ये बहुलक का सूत्र हो गया। अगला क्या पूछा था, अगला प्रश्न था यदि पी ई का मान इतना है तो ई नहीं की प्रायिकता। तो आपको पता था, ये सूत्र बताया हुआ था, पी ई प्लस पी ई बार बराबर कितना होता है, एक होता है प्रायिकता। तो एक का मान दिया हुआ, पी का मान 0.05 दिया हुआ है, ये निकालना है ई नहीं की प्रायिकता, तो घटा दो इसका मान निकालना है, तो एक में से 0.05 घटा दो कितना आएगा, ये बचेगा आपका 0. कितना बचेगा, 0.95 बचेगा, 0.9595, क्योंकि जोड़ोगे तो वापस एक होना चाहिए, ये आंसर हो गया। तो मैथ तो इतनी इजी दी हुई थी आपको, ये प्रश्न मैथ के कंप्लीट हो गए कितने, 6%। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के 6 प्रश्नों को लेके आएंगे, और फटाफट इसको आप ना एक पेज पर करके लेके आएँ कंप्लीट, आपका जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीट करवा दिया, और एक पेज पर नए मतलब नोटबुक से जोटा निकाल के उस पर 6 के 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन लेके आएँ, और आगे दोस्तों को शेयर करें। अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, आप अपने साथियों को बता सकते हैं कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच जो है रनिंग में चल रहे हैं। अभी मॉर्निंग बैच आपको पता है वाल्मीकि चौक पर चल रहा है, और इवनिंग बैच भगत सिंह चौक हनुमानगढ़ जंक्शन में चल रहा है। इसके अलावा आपके कोई भी कंपटीशन के साथी हैं उनको बता सकते हैं, पशु परिचर का बैच रनिंग में चल रहा है, 10वीं योग्यता के जो भी बच्चा है वो तैयारी कर सकता है, असिस्टेंट लोको पायलट जिन्होंने ITI वगैरह कर रखी है तो वो इनकी तैयारी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का बैच भी अपने पास चल रहा है। चलिए इसी साथ में अगर कोई BA और BSc BCom फाइनल ईयर का कोई स्टूडेंट है, कोई भी ग्रेजुएशन का, या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है और वो बालिका यदि मान लो BPL परिवार से है, तो RS के लिए हम बिल्कुल निःशुल्क आपको तैयारी करवा रहे हैं, 50 सीटों का ये बैच है। इसके अलावा जो रनिंग बैच है SSC GD का बैच रनिंग में चल रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।